हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना एक चैलेंज चल रहा है, मुझे को मैंने जोमेटो में काम करके 90 दिन में लाख रुपया। आज है अपना डे 40 और यार आज मैंने अपनी गिग ना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, 11 से 12 ब्रेक, 12 से 6 तक, 6 से 7 ब्रेक, 7 से रात 10 बजे तक बुक करके रखी है। आज के जो ऑफर हैं 300 ऑर्डर डिलीवर करने, 22 ऑर्डर डिलीवर करने पर हमें 300 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। और यार आज मौसम चेक करो ऊपर, और इधर बारिश बारिश हो ही रही है, अभी भी बारिश हो रही है हल्की फुल्की। इधर देखोगे तो हल्का फुल्का पानी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, रेन सर्ज लग रखी है। और मैं इधर सराबा नगर में पहुंच गया, 8 से ऊपर टाइम हो चुका है, आईडी लॉगिन करने वाला ही हूं मैं बस अभी। आज मोटो ब्लॉगिंग थोड़ा कम देखने को मिलेगा क्योंकि बारिश में मैं कैमरे का रिस्क नहीं ले सकता। जैसी बारिश हटेगी तब हम रिस्क लेंगे कि अपना मोटो ब्लॉगिंग करें। उधर नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन आओ, सर्च वर्च लग रखा है, अच्छे खासे पैसे कमाओ, जिस चीज़ की वेट थी यार बारिश की, फाइनली आज आ ही गई। तो आईडी वगैरह लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि आज किस तरीके से ब्लॉग शूट करना है। अभी मेरे को भी नहीं पता, नॉर्मल कैमरे से आप लोगों को ऑर्डर वगैरह दिखा दिया करूँगा, उसके बाद डिलीवर करके अगला ऑर्डर पड़ेगा, तब तक ये करेंगे। जैसे बारिश हटेगी फिर मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। ओके, ये देखो भाई जोमेटो का हाल देखो, 2 किलोमीटर का पिकअप है, 11 किलोमीटर का ड्रॉप है, 68 रुपी, रेन सर्ज लग रखा है, रेन सर्ज दे नहीं रहे भाई। एक्सेप्ट ऑर्डर कर लेते हैं, रेन सर्ज लग रखा है लेकिन रेन सर्ज दिया नहीं है। चलते हैं भाई ऑर्डर उठाने, वहां जाकर दोबारा रिपोर्ट रेन करूँगा। तो यार ऑर्डर तो मैंने पिक कर लिया, इसको इधर रख लेते हैं। आज यार ऐसी ना थोड़ा व्लॉग ऐसे ही चलाना पड़ेगा मेरे को, इधर से भी पिक कर लेते हैं पिक ऑर्डर। रेन सर्ज लग गया बट हमारे पास ऐड नहीं हुआ इधर, यार पता नहीं क्या दिक्कत है, जाकर देखते हैं डिलीवर करने के बाद, क्या पता ऐड हो जाए। सो यार बारिश हट गई, मैंने सोचा जितना क्लिप बनता है उतना क्लिप तो बनाई यार, कुछ दिखाने के लिए भी होना चाहिए ना वीडियो में, ऐसे कैसे बात चलेगी भाई। जनपथ में जाना है यार, जब तक बारिश नहीं है ना तब तक तो भाई व्लॉगिंग करूँगा मैं। जैसे अभी बारिश लगभग कोई कोई बूंद गिर रही है, तो मैंने सोचा क्लिप बना ही लेते हैं यार। यार एक बंदा ना रोज़ मेरी वीडियोस पर कमेंट करता है, भाई आप गाली मत दिया करो, भाई आप गाली मत दिया करो। मैं थोड़ा कन्फ्यूज था कि मैं कौन सी गाली देता हूँ वीडियो में यार, मैं गाली क्या देता हूँ वीडियो में। कल भाई का फिर से कमेंट आया, उसका कमेंट पढ़ के ना मेरे को हल्की सी हंसी आई। भाई बोला, भाई आप गालियाँ देते हो, मैंने अपनी फैमिली के साथ वीडियो देखना छोड़ दिया। मैंने कहा आए अब कौन सी गाली दे दीजिए वीडियो में। फिर उसका नीचे कमेंट पढ़ा, कह रहा भाई आप पेलना पेलना करते हो ना, ये गाली मत दिया करो। मैंने बोला है भाई पेलना इस गाली, भाई पेलना गाली नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ ये काम पेल के करेंगे, पेल के करेंगे मतलब खींच के करेंगे। अगर कोई बंदा मेरे को गलत बोल रहा है भाई इसे पेल देंगे, मतलब उसको पीटेंगे या उसकी ऐसी तैसी करेंगे शब्दों के द्वारा, मतलब पेलने का मतलब गाली नहीं होता मेरी जान। भाई आप लोग कमेंट करके बताना पेलने का मतलब गाली होता है बिहारी या किसी और स्टेट में, बिकॉज हिंदी में तो मेरे को जहाँ तक पता है पेलने का मतलब गाली नहीं होता। बाकी आप लोग भी बताना यार, क्योंकि क्या पता मेरे को गलतफहमी हो रही हो कि पेलने का मतलब गाली नहीं होता, एक्चुअल में होता हो, कुछ समझा नहीं आ रहा यार। मैं भी यार पता नहीं, मैंने आप लोगों को बताया पता नहीं नहीं बताया, पंजाब में अगले 10 दिन का रेड अलर्ट है बारिश का, मतलब गंदी वाली बारिश होने वाली है अगले 10 दिन। आज भी भाई मैं शर्ट वगैरह पहन कर नहीं आया क्योंकि इतने दिन हुम्मस में काम किया, आज मौसम ठंडा है तो मैंने सोचा यार थोड़ी हुम्मस वुम्मस भगाई जाए, थोड़ा इस ठंडी का फ़ायदा लिया जाए, थोड़े मज़े लिए जाए बारिश में। मैंने रेनकोट भी नहीं अभी पहना, हाँ अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगी फिर रेनकोट पहनूंगा, फिलहाल मैंने रेनकोट भी नहीं पहना। मैंने सोचा यार मज़े लेंगे बारिश के, तभी तो मज़ा है भाई, यही तो मज़ा है लाइफ का, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा हो वही चीज़ करो मेरी जान। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इधर से टाइट कर लेते हैं, ऑर्डर डिलीवर मार कर देते हैं, देखते हैं भाई मिले कितने इसके। 84 रुपये मिले हैं
और लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे 10.5 किलोमीटर का 12-13-14 रुपये वो आएगा, 98 रुपये बन जाएगा भाई साहब। रेन सर्च का कितना मिला, 19 रुपये मिले हैं रेन सर्च के, नॉट बैड नॉट बैड। और अभी सिर्फ बीआरएस नगर में रह गया जो लगा हुआ है ना रेन सर्च, मतलब साउथ सिटी बीआरएस नगर में ही आता है, साउथ सिटी की तरफ 5-10 मिनट वेट करते हैं, अगर इधर से ऑर्डर मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा भाई। 85 + 13 वही 98 रुपये बन गए यार, नॉट बैड नॉट बैड, बहुत सही जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो। सो यार वेट कर रहा था इधर खड़ा होकर, ऑर्डर मिलेगा मिलेगा, मिला नहीं, तो अभी सोचा है कि वापस ही निकलते हैं इधर से, बिकॉज ऐसे टाइम वेस्ट करने का ना यार कोई फ़ायदा होता नहीं है। अगर इधर से ऑर्डर होता कोई आसपास किसी रेस्टोरेंट पर तो भाई हमें ये पहले ही उठा लेता, अभी ऑर्डर है ही नहीं तो इसने उठाया ही नहीं, तो अभी खाली ही वापस निकलना पड़ेगा इधर टूवर्ड सराबा नगर। चलो भाई सराबा नगर में वापस आ गए, कोई भी ऑर्डर नहीं मिला रास्ते से भाई, पूरा ही खाली वापस आना पड़ा। अभी मिलते हैं इधर अपने यारों दोस्तों से, वो बैठे हैं भाई वो बैठे हैं। मैं गिरया होया बंदा पूरा नीच बल्लिए, मेरे को ऑर्डर मिला ओब्राय स्पेशल से, वो लगा नहीं हुआ था रेन सर्च, पता है मैंने ना रेन सर्च की 4-5 बार वीडियो डाली, जब रेन सर्च मिला मेरे को क्योंकि बारिश में आए हैं, बारिश का फायदा तो उठाना है ना, तब ऑर्डर पिक किया मैं, फिर मेरे को रेन सर्च मिल गया, तभी मैं कह रहा हूँ मैं गिरया होया बंदा बड़ा नीच बल्लिए। चलो भाई आज का दूसरा ऑर्डर आया, 2.2 किलोमीटर का पिकअप है, 4.2 किलोमीटर का रोप है, 6.4 किलोमीटर के 34 रुपये एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोम किचन के पास उठाने जाना है यार, मोम किचन ये भी आधा घंटा खाएगी अपना। चलो सेल्फी दे दी इसको, 2 आलू परोंठा है, 5 मिनट लग रखे हैं, वेट कर लेते हैं। तो भाई ऑर्डर तो यार पिक कर लिया, यही जाना है मेरे को सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ। यार सुबह सुबह यार हर वीडियो में बताता हूँ, मोम किचन हो गया नाज किचन हो गया यार टाइम लगाते हैं, आधा घंटा लगा दिया भाई इसने, फिर से गुस्सा आता है यार मेरे को जब कोई इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है ना मेरा, मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, मेरे से सहन नहीं होती ना ये चीज़ के मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हमें पैसे तो तभी बनने हैं जब हमारे बाइक का चक्का घूम रहा है, जब हमारे बाइक का मीटर घूम रहा है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है ना, ये लोग ऐसी तैसी करवाते हैं अपनी भी दूसरे की भी। भाई आटा वाटा गूंद के रखो, आलू को ऐसे ऐसे करके रखो, आलू के परांठे ही बनाने हैं तो उसको आधा घंटा कैसे लग जाएगा, अगर सारी तैयारी हो तो आधा घंटा कैसे लगेगा, अगर तैयारी नहीं है तो आईडी ऑन मत करो, सिंपल सी बात है, यही बात रेस्टोरेंट वाले समझ नहीं रहे फिलहाल। सो यार कस्टमर की लोकेशन पर तो पहुंच गए, करते हैं ऑर्डर डिलीवर। हाँ जी तो आप भी भीगोगे, सबका खाना भी भीगेगा। नहीं खाना नहीं भीगेगा, मैंने लिफाफा रखा हुआ एक्स्ट्रा। कस्टमर कह रहे हैं आज तो आप भी भिगोगे खाना भी भिगेगा, खाना नहीं भिगने देंगे भाई, लिफाफा रखा है मैंने एक्स्ट्रा, ऑर्डर डिलीवर मार कर देते हैं चलते चलते, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, रेन सर जब हट चुका है ना, रेन पड़ नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, 33 रुपये मिले हैं हमें सिर्फ। यार आज ऑर्डर नहीं निकल रहे, सिर्फ 2 ही ऑर्डर लगे हैं अभी तक, काम निकल नहीं रहा, 10 बजने को आ गए, 8 बजे से आया हुआ हूँ, 2 ही ऑर्डर निकले हैं सिर्फ। 1 hour later. So finally यार 11 से 12 अपनी ब्रेक थी, 12 बजे आईडी लॉगिन की थी, 12 बजे ही अपने को 12:10 पर ऑर्डर मिल गया था। एक्चुअली यार एक भाई मिल गया था अपना, मेरा ब्लॉग करके है, काफी लोग जानते होंगे उसे इंस्टाग्राम के जरिए, तो उसके पास खड़ा होकर बातें बातें कर रहा था, तो थोड़ा 5 मिनट के करीब लग गया। हाँ गलती अपनी है कि ऑर्डर हमने लेट किया, चलते हैं भाई उठाने, 1 किलोमीटर का ही ड्रॉप है, 20 रुपये का ऑर्डर है, आज का 6th ऑर्डर है अपना। तो अभी तक मैंने क्या किया भाई वो भी बता दूं, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मैंने 5 ऑर्डर डिलीवर कर दिए, 197 की अपनी अर्निंग हो चुकी है, जो कि इतनी बुरी भी नहीं है इतनी बढ़िया भी नहीं है, एटलीस्ट 250 की अर्निंग मांगता था मेरे को, चलो नहीं हुई 250 की कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपये कम है, अभी बारिश बारिश वाला माहौल दोबारा से हो रहा है, मौसम काफ़ी बढ़िया है यार आज, हुम्मस नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, ओवरऑल मज़ा आ रहा है काम करने में फिलहाल। तो यार ऑर्डर रेडी करते करते ना टाइम काफ़ी लग गया, 1 किलोमीटर जाना है, 12:30 के करीब हो गए, 5 मिनट में वैसे ही लेट आया था, ऑर्डर रेडी नहीं था भाई, 24:30 देना। चलो कोई बात नहीं, 5-star रेटिंग दे देंगे। ओके ब्रो मिलते हैं।
और मेरे को नहीं है यार बैग टी शर्ट वाला, अगर आ जाता मैं तो ले लेता, मेरे को तो जरूरत है ना। चलो कोई बात नहीं, उसको फ्री में बैग और टी शर्ट मिला है। ये देखें जाना कितने किलोमीटर दूर है, 1.2 किलोमीटर जाना है सिर्फ। चलते हैं डिलीवर करने, 1.2 किलोमीटर ही जाना है सिर्फ। 1.2 किलोमीटर के 20 रुपये मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। कस्टमर की लोकेशन पर तो पहुंच गए, फूड इधर से निकाल लेते हैं। और कस्टमर कह रहे हैं कि आ रहे हैं, कॉल कर दी मैंने। हेलो सर, थैंक यू। डन डन डन, ऑर्डर डिलीवर्ड। अभी मैं इधर तड़का रसोई हाइट के पास हूँ, उधर से हमें ऑर्डर मिल तो सकता है। अरे यार जी, सेल्फी भाई गलत टाइम पे मांगते हैं हमेशा। अपने पास अगला ऑर्डर भी आ गया, भावी का दिल्ली जंक्शन सर्किट हाउस रोड से 74 रुपी का। भावी का जंक्शन पर पहुंच गए, रीच पिकअप कर दिया, 5 मिनट हैं अभी और ओमैक्स में जाना है। भाई सही है, ये भी सही है, 3 प्लेटा। चलो भाई इसको इधर से ना घुमा लेते हैं, बाहर निकलेगा नहीं। पिक ऑर्डर कर लें इधर से, 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। अरे ये सामने, ओके, मेरे को लगा कहीं और ही पहुंच गया मैं, दिमाग को क्या हो गया मेरे भाई। ये 9.3 किलोमीटर शो कर रहा है, बट इतना है नहीं, ये कम है यार, लगभग 7 किलोमीटर के करीब है। और हम वही रास्ते से जाएंगे 7 किलोमीटर वाले, जिधर से ये बता रहे उधर सारा रश होगा और गलत रास्ता है वो। कल भी ऐसे ही हुआ था अपने साथ, कल भी इसी बिल्डिंग में आए थे ना हम ऑर्डर डिलीवर करने, आज भी इसी बिल्डिंग में आए हैं भाई साहब, वही कस्टमर रिपीट होते रहते हैं हमारे। सो यार ओमैक्स में आकर के ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, यहीं से ऑर्डर मिल रहा है हमें बेक फॉर यू से, 6 किलोमीटर का ड्रॉप है। पता नहीं कहाँ जाना है भाई, वापसी का हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कहीं इधर उधर गाँव में भेज देगा फिर दिक्कत होगी, फिर डबल वापस आना पड़ेगा मेरे को। चलो देखते हैं कहाँ पर जाना है, पहले बेक फॉर यू पर पहुँचते हैं। ये रहा भाई बेक फॉर यू, रीच पिकअप कर देते हैं। हमारा काम क्या है, सबसे पहले देखना भी जाना कहाँ पर है, जाना कहाँ पर है। 7 मिनट हैं झंडे, अरे सही है भाई सही है, राजगुरु नगर की साइड जाना है। ऑर्डर तो भाई मिल गया अपना, ऑर्डर मिलते इसको भी टाइम लग गया, 15 मिनट लग गए इधर खड़े खड़े। हनुमान चालीसा चल रही थी, बस उसको सुनता रहा मैं खड़ा हुआ। जे भाई झंडे गांव में जाना है, झंडे झंडे पंजाबी में बोले तो झांडे झांडे, ये गांव के बीच में से लेकर के जाएगा भाई अपने को। अरे मेरे भाई ये किधर से लेके जा रहा है, ये तो उल्टा ही लेके जा रहा है, पीछे से लेके जा रहा है ये भाई, ये तो गलत हो गया यार। उधर से राजगुरु नगर ही निकलना पड़ेगा, इधर तो आना सही नहीं रहेगा। ऑर्डर डिलीवर, डन डना डन डन। और यार इधर से राजगुरु नगर का मैप लगा करके जाना पड़ेगा मेरे को, 55 मिले हैं इसके। इधर से राजगुरु नगर का लगा लेते हैं यार, राजगुरु नगर ही नज़दीक है इधर से, बिकॉज 9 मिनट। ओ भाई साहब बहुत दूर है। चलो चलते हैं राजगुरु नगर ही जाएंगे भाई, इधर काम ही नहीं करना मेरे को, बिकॉज इधर क्या, इधर से है ही नज़दीक राजगुरु नगर, और कुछ है ही नहीं नज़दीक भाई। सो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 से 7 अपनी ब्रेक होती है, 7 बजे आईडी लॉगिन की थी, 7:18 हो रहे हैं भाई। ऑर्डर मिला है अपने को चाइनीस मोमो से, 20 रुपये रेन सर्ज है, रेन कहीं ना कहीं हो रही है तो अपने को 20 रुपये रेन सर्ज हो गए, 4 किलोमीटर के वही 60 रुपये के करीब मिल रहे हैं भाई साहब, मज़ा आ गया यार। सो यार 18 ऑर्डर तो हो गए अपने, मैंने आप लोगों को बताना भूल गया भाई, लगभग 9 घंटे में 18 ऑर्डर लगा दिए मैंने, और 896 की अर्निंग हो चुकी है। 18 ऑर्डर्स पर 160 वाला इंसेंटिव आना था, जो वो आ चुका है अभी, जो टोटल 300 वाला इंसेंटिव है उसके लिए 140 और ऐड होंगे। तो देखते हैं यार आज कितना ज़्यादा काम खींच सकते हैं, कितना ज़्यादा अर्न कर पाएंगे आज, ये आप लोगों को वीडियो के एंड में पता लग ही जाएगा। कोशिश तो रहेगी यार एटलीस्ट 1300 तो टच करूँ मैं, बिकॉज 1300 जब तक होगा नहीं ना मज़ा नहीं आएगा यार, 1300 तो टच करना ही करना है मेरे को। वो छोड़ो, सबसे पहले हम चाइनीज़ मोमोज कॉर्नर से ऑर्डर उठा के जल्दी से डिलीवर करते हैं। पहुंच के भाई रेस्टोरेंट पर तो रीच पिकअप कर देते हैं, ऑर्डर को 8 मिनट हैं यार, और जाना कहाँ पर है, BRS नगर में जाना है, मे बी उधर से
सरज आई डोंट नो यार, पहले इधर से पूछें ऑर्डर का। दो प्लेट वेज मोमोस है जी। ओके बन रहा है ऑर्डर अभी। चलो भाई ऑर्डर तो अपना मिल गया, इधर से पिक कर लेते हैं, पिक 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। 8 मिनट लग रखे थे, भले ही 1 मिनट के अंदर ऑर्डर मिल गया। अरे मैप लगा करके चलते हैं भाई इसको डिलीवर करने। यार आज से मैं ना जो पेलना पेलना बोलता हूँ ना वो बंद करूँगा यार। एक भाई गुस्सा हो गया अपना, बोला पहले मैं अपनी फैमिली के साथ आपकी वीडियो देखता था, बट आप पेलना पेलना कहते हो मतलब आप गाली देते हो। सुबह भी आप लोगों को बताया था पेलना मतलब गाली, मेरे को भी आज ही पता लगा, तो आज से पेलना शब्द बंद। आज से कहूँगा खींच करके करना है, करके आया आज, मैं करके आया आज, मैं करूँगा काम मतलब काम, समझ रहे हो, कुछ और नहीं बात कर रहा भाई। चलो अभी डिलीवर करने चलते हैं ऑर्डर। हेलो सर, थैंक यू। डन डन डन, 4 किलोमीटर आया, 60 रुपये अंदर करते हैं भाई। और वाह बादल देखो ऊपर काला काला आने लगा, बारिश लिखी तो हुई है बट जब जब बारिश लिखते हैं ना आती नहीं। अभी इधर तो सर्ज नहीं लग रखा बट इधर से ऑर्डर पड़ जाएगा हमें, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। मिल जाए तो भी बढ़िया यार, नहीं मिलेगा तो बुरी बात है। 2 hours later सो यार अभी टाइम हो रहा है 10:20 और अभी जाकर के मैं घर में पहुंचा हूँ। यार आज जिस हिसाब का काम मैंने सोचा था उस हिसाब से काम निकला नहीं। एक्चुअली 7 बजे के बाद ना इन लोगों ने मेरे को अच्छे ऑर्डर नहीं दिए, 20-20, 25-25 वाले ऑर्डर मिल रहे थे, उसको भी हर रेस्टोरेंट 15-20 मिनट लगा रहा था, तो उस वजह से मैंने सोचा था कि आज 1400 के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाए यार। आज की जो अर्निंग है वही 11:30 घंटे में 23 ऑर्डर डिलीवर करके अपना 300 वाला ऑफर आ गया, और जो अर्निंग हुई है 1276। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वो आप लोग देख लेना। और आज बाइक कितनी चली भाई, बाइक आज मेरी कम चली, बाइक मेरी चली 160 किलोमीटर के करीब, और जो अपना पेट्रोल लगा 220 रुपये का लगा, क्योंकि कहीं ज्यादा लंबा नहीं गया। मैं सिर्फ पहले ऑर्डर में लंबा गया था, उसके बाद कहीं भी इतना लंबा नहीं गया जहाँ से मेरे को 10-15 किलोमीटर खाली वापिस आना पड़ा। छोटे छोटे ऑर्डर मिल रहे थे उसमें फिर पेट्रोल भी कम लगता है, बाइक भी कम चलती है। तो ये था आज का दिन। अगर वीडियो बढ़िया लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अगर आप लास्ट तक देख रहे हो ना तो भाई एक कमेंट जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, है ना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक ले जाए भोले।